सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है प्रमोशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की घोषणा, 1 जुलाई से 80,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर दिया जाएगा प्रमोशन। पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड होगा भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर। टीम इंडिया अब भारत में घरेलू और इंटरनेशनल जो भी सीरीज खेलेगी तो उसकी स्पॉन्सर पर होगा मास्टर कार्ड का ऐड। एनर्जी सेक्टर में 70 अरब डॉलर निवेश करेंगे गौतम अडानी। गौतम अडानी ने कहा कि अभी भारत तेल पर काफी ज्यादा निर्भर है और भारत को ऐसे देश में बदलना चाहते हैं जो ग्रीन एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर हो। उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने कई अन्य इंडस्ट्रीज में भी की है शानदार तरक्की। आज फिर सोनिया गांधी से होगी ईडी की पूछताछ। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पहले महंगाई और अब नुपुर शर्मा से ध्यान भटकाने की कोशिश। कोयले की कमी और जीएसटी की कीमत बढ़ने से उत्तर प्रदेश में एक साल तक बंद रहेगा ईंट भट्टे का कारोबार। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ने की वजह से ईंट भट्टों को बंद करने का लिया फैसला। महाराजगंज में दरोगा ने छुट्टी मांगी तो सीईओ ने कर दिया सेवानिवृत्त। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जिले में तैनात एक सर्किल ऑफिसर सुनील दत्त दुबे से छुट्टी मांगना भारी पड़ गया। सीईओ ने सब इंस्पेक्टर को 10 दिन की छुट्टी के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त का भी जारी किया आदेश। मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों से आए हुए लोगों की होगी जांच। सीएचसी पीएचसी की गाइडलाइन के अनुसार 21 दिन पहले आए हुए लोगों की भी होगी खोज। अंबेडकर कॉलेज में थिएटर सोसाइटी के नाम को बदले जाने को लेकर विवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध भीमराव अंबेडकर कॉलेज के छात्रों ने थिएटर सोसाइटी का उर्दू नाम बदलने का आरोप लगाया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने सोमवार को सोसाइटी को कथित तौर पर आरंभ नाम दिया था। चार पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जारी येलो अलर्ट। प्रदेश भर में 146 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश के इंदौर में रैगिंग के चलते सीनियर्स कर रहे हैं जूनियर्स के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश। जूनियर छात्रों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और एंटी रैगिंग कमेटी हेल्पलाइन पर फोन कर सुनाई आपबीती। सीनियर छात्रों की शिकायत कर कमेटी की सिफारिश पर कॉलेज की ओर से संयोगितागंज पुलिस ने अज्ञात सीनियर छात्रों पर विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मुकदमा।